ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 13 मार्च 2020 शुक्रवार का दिन है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। स्वाति नामक नक्षत्र रहेगा। तुला राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दही खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि राहुकाल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने पंचांग या कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कुछ क्षेत्रों में माना जाता है और कुछ क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कुंभ राशि में, चंद्रमा जो कि तुला राशि में, मंगल ग्रह धनु राशि में, बुध कुंभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, कर्क, सिंह, तुला, कुंभ और मीन, ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा के साथ साथ इनको आर्थिक लाभ के उत्तम अवसर मिलने वाले हैं। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। विवाह योग्य यदि है तो आपको विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। जीवन साथी के साथ अधिकतम समय व्यतीत होगा। दूसरों का सम्मान करें। किसी भी तरह की खरीदी बिक्री का काम यदि आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार व्यवसाय नौकरी में लगातार कुछ नया करने का प्रयास आप कर सकते हैं, इसमें सफलता मिलेगी। कोई पुरानी परेशानी भी आपकी निपट जाएगी। नौकरी और घर परिवार का तनाव काफी हद तक सुलझने का योग बन रहा है। उम्मीद और भरोसे से आगे बढ़े, सफलता मिल जाएगी। नौकरी में ट्रांसफर और प्रमोशन आपको मिल सकता है। सामाजिक कामों में आप लगे रहेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा और उपाय के रूप में किसी भी गरीब व्यक्ति को नमक का दान करना आपके लिए सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। प्रॉपर्टी या स्थायी संपत्ति से आपको लाभ होने वाला है और इस संदर्भ में जो भी काम आपके रुके हैं वो पूरे हो सकते हैं। कोई बड़ी प्लानिंग आप बना सकते हैं। कोई व्यक्ति आगे चलकर आपके लिए मददगार साबित होगा। आपकी रचनात्मक ऊर्जा चरम पर रहेगी। नौकरी यदि आप करते हैं तो वहां पर आपको कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। आपके प्रेम संबंधों में गहराइयां बढ़ेगी। पैसों के सवाल फिर एक बार आपके दिमाग में चल सकते हैं। आप जो भी काम करें खुद के ही दम पर निपटाने का प्रयास करें। मनोरंजन के अवसर आपको मिल सकते हैं, खुद के लिए समय निकाल सकेंगे। कोई भी कार्य यदि आप करने का सोच रहे हैं तो आपको पूर्ण कर लेना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। और उपाय के रूप में यदि आप चावल का दान किसी भी मंदिर में जाकर करते हैं तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कोई बड़ी और अच्छी प्लानिंग आप बना सकते हैं। घर और ऑफिस दोनों जगह अपनी जिम्मेदारी अच्छे से आप निभा सकेंगे। आज आपको कोई बड़ा और फायदेमंद काम दिया जा सकता है। हर तरह के सामूहिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और जो बात आपके मन में चल रही है वो आप कह सकते हैं। नज़दीकी रिश्तों में भावनात्मक गहराई आएगी। बच्चों और परिवार के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात का योग है। और उपाय के रूप में यदि आप हरी सब्जी का सेवन भोजन के साथ करेंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। दूसरों की जरूरतों और उनकी इच्छाओं का आप ध्यान रख सकेंगे और जीवन में सकारात्मक बदलाव होने के अवसर आपको मिलेंगे। उनका उपयोग करना आपके ऊपर निर्भर रहेगा। आज आप ठंडे दिमाग से सोचें और प्लानिंग करके आगे बढ़े। आपकी आशंकाएं दूर हो जाएगी, उसका फायदा आपको ही मिलेगा। संतान की उन्नति से खुशियां मिलेगी। बिजनेस में नई योजना बनने का योग है। आज आप अपनी वाणी पर संयम रखें और उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में यदि आप मेहंदी चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। किसी खबर का इंतजार आपको रहेगा। ऑफिस और फील्ड में समझदारी से काम करें। घर का माहौल अच्छा रहेगा। आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में बहुत हद तक आपकी व्यस्तता बढ़ने वाली है। बिजनेस करने वाले एक काम निपटाकर दूसरे काम में लग जाएंगे। आज आप हर काम अच्छे से पूर्ण कर लेंगे। दूसरों की जरूरतों को लेकर बहुत हद तक आप भावुक हो सकते हैं। दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल और सरसों के तेल का दीपक लगा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। पिछली बातें भूलकर आगे बढ़ेंगे तो जल्द ही सफल हो जाएंगे। धन लाभ होगा। दिन अच्छे से साबित होगा। जीवन में कोई खास बदलाव की तैयारी आप कर सकते हैं। कुछ रिश्तों के मामलों में बड़े फैसले लेने के लिए सही समय है। आपके सामने कई प्रकार की जिम्मेदारियां रहेगी। किसी पुरानी समस्या का नए ढंग से समाधान आप निकाल सकते हैं। खरीदारी करने में आपको काफी समय लगेगा। आपके दिमाग में कई प्रकार के विचार आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से बिगड़ी स्थिति को आप अनुकूल बना सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप घर से निकलते समय एक लौंग खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। दिन अच्छा है। कोई नया काम करने की यदि सोच रहे हैं तो आप कर पाएंगे। पुरानी परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। जो परेशानी या झंझट पिछले दिनों चल रहे हैं वो लगभग समाप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। सारा काम निपटाने के लिए दिन अच्छा है। आज आप दूसरों की मदद भी करेंगे। आपका नजरिया बड़ा रहेगा और आने वाले समय को देखते हुए आपकी प्लानिंग बनती रहेगी। नई तकनीक को अपने जीवन में शामिल आप करना चाहेंगे। कोई जरूरी काम आज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। साथ के लोगों से समय पर आपको मदद भी मिल जाएगी। कोई तनावपूर्ण स्थिति भी बन सकती है, उसका फायदा जो है आपको ही प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में कच्चा दूध शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। धैर्य और खुद पर भरोसा रखें। कोई खास और अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसका अवसर आपको मिलेगा। आज आप दूसरों की जरूरतें समझने की कोशिश कर सकते हैं। पॉजिटिव नजरिया आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और इसमें सफलता भी प्राप्त होगी। आज आपको कोई सकारात्मक कार्य करने का अवसर मिलेगा। कुछ लोगों के साथ नए सिरों से संबंधों की शुरुआत हो सकती है। जो संबंध पिछले दिनों टूट चुके हैं या जिनमें दरारें आ चुकी है वो पुनः जुड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद भी आपको मिलेगी। किसी मित्र के माध्यम से आपका कोई काम बन सकता है। और उपाय के रूप में भोजन के बाद मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। संकोच छोड़े और करियर में आगे बढ़ने का प्रयास करें। कामकाज में अपने से बड़े लोगों की तारीफ और मदद आपको मिलेगी। परिस्थितियों के हिसाब से ही आप काम करेंगे। खुद को बदलने की कोशिश आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। दिन अच्छा रहेगा। आपके अंदाज से कुछ लोग प्रभावित हो सकते हैं। पैसे के काम आपके पूरे हो जाएंगे। किसी काम के बारे में आपकी भविष्यवाणी या आपका जजमेंट बिल्कुल सही साबित होगा। किसी फालतू काम में न उलझे, फालतू बातों में अपना समय बर्बाद न करे। समय पर आपको अपना काम गंभीरता से करना ही फायदेमंद साबित होगा। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर से निकलते समय बेसन से बनी मिठाई गरीबों में दान कर देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए दिन अच्छा है। नौकरी यदि करते हैं तो आपको भाग्य के सपोर्ट से कुछ ऊंचाई मिलने का योग बन रहा है। आपका प्रमोशन हो सकता है। आपकी आमदनी में वृद्धि होने का भी योग है। और व्यापार यदि करते हैं तो वहां पर आपके नए सौदे हो सकते हैं या नया लाभ मिलने का अवसर भी मिल सकता है। खुशी के अवसर मिलेंगे। मिले जुले अनुभव वाला दिन साबित होगा। सामाजिक संपर्क आपके कुछ खास रहेंगे। आज आप किसी उच्च पद वाले व्यक्ति की मदद कर सकते हैं या ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। आपका काम बन जाएगा। और उपाय के रूप में यदि आप काले तिल शनि देव के मंदिर में या काले रंग के शिवलिंग जहां पर हो वहां पर चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा।
अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। पूरे दिन सितारों की मदद आपको मिलती रहेगी। मौज मस्ती और मनोरंजन का मूड बनेगा। काम का बोझ इतना नहीं रहेगा जितना आपको डर था। बिगड़े हुए संबंधों में सुधार होने का योग है। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से आप जो योजना बनाते आ रहे हैं उस पर काम करने का समय है। सामाजिक सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में शक्कर का दान किसी भी मंदिर में करना आपके लिए सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि एक होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आपको हर प्रकार के अनुभव प्राप्त होंगे, जो नई चीजें आपको सिखा जाएंगे। खर्चा व्यवहार, अपनी गाड़ी की गति, इन पर वाणी आपको रखना चाहिए। आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे कुछ लोग और आपको सहायता भी करेंगे। खुद को थोड़ा टाइम दे। खुद के लिए किए गए फैसलों पर भरोसा रखें। शांति रखें, धैर्य से काम करें। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। व्यक्तिगत समस्या सुलझने का योग बन रहा है। और उपाय के रूप में यदि आप पीला चंदन देवी जी के मंदिर में चढ़ा देंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।